ये जीव समोसरण में अनंत बार गया, तो समोसरण में वीतरागी जिनेन्द्र भगवान से बढ़िया वक्ता जगत में कौन है? उनसे बढ़िया वक्ता? अरे हम तो वक्ता कहलाने लायक नहीं है बिल्कुल किसी कीमत पे। रागी द्वेषी वक्ता होने का अधिकारी नहीं है, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें ईमानदारी से, क्योंकि यहां कसाय भरी पड़ी हुई है, और जब कसाय भरी पड़ी हुई है तो वो कसाय तुम्हारे वक्तव्य में आए बिना नहीं रहेगी। इसलिए सर्वज्ञ को सर्वोत्कृष्ट वक्ता कहा, फिर उससे नीचे वक्ता आचार्यों को कहा, मुनिराजों को कहा, उससे नीचे वक्ता ही नहीं। सच बता रहा हूं, बहुत गहरी, मैं कई दफे बता चुका पहले, इससे नीचे वक्ता नहीं। और मोक्षु की समस्या है कि इनके पास ऐसा एक भी वक्ता नहीं। पकड़ में आ गई गहरी? अब ये सब रागी द्वेषियों से चल रहा है मोक्ष मार्ग, सो क्या हो रहा है कि वो कसाय के प्रसंग बनते हैं, जो कसाय भरी। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि तू जब परम वीतरागी देव के समक्ष बैठकर भी तूने आत्मानुभव नहीं किया, तत्व का प्रयोग नहीं किया, सोचो गहराई से, तो अभी तुम जिसे सुन रहे हो समझ रहे हो, यहाँ तो प्रत्यक्ष ना तो तुम्हें वैसी श्रद्धा है ना वैसी भक्ति है, तो फिर यहाँ क्या होगा सोचो। इसीलिए बीसों साल निकल जाते हैं, सभाएं चलती रहती हैं, और जब रिजल्ट देखने पे जाओ तो लगता है कि रिजल्ट नहीं आया, बिल्कुल एक कसाय में कमी नहीं आई, कोई कसाय कमजोर नहीं पड़ी। और जिसे भ्रम से कमजोर समझते हो वो कसाय कमजोर नहीं हुई है, वो पुण्य के उदय से अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन हो रहा था, तो ये शांत शांत दिखाई दे रहा था, और जैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं हुआ एकदम आग बबूला हो गया।